हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। कुर्द जंगजुओं को हथियार फराहम करने से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली से पैदा हो रहे हैं नए इख्तलाफात और सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात में गर्म जोशी क्या इशारा दे रही है। इन मौजूदात के साथ साथ प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। हिरासत का शिकार सिर्फ औरतें ही नहीं मर्द भी। मर्दान सेंट्रल जेल में कैदियों की तालीम का एक मुनफरिद प्रोग्राम। 15,000 सैलरी दी जाएगी और वही जो साथी कैदी हैं उनको पढ़ाएंगे। और बिना इसे महरूम एक पाकिस्तानी जिसने अमेरिका में हासिल की कामयाबी। मेरे से आप पाकिस्तान को नहीं निकाल सकते, जिधर भी हूँ। शाम में दाइश को शिकस्त देने ने वहां लड़ने वाले मुकामी जंगजू ग्रोहों की अस्करी मदद में कमी लाने का ऐलान किया है। दाइश के खिलाफ लड़ने वाला एक अहम ग्रुप कुर्द YPG मलेशिया है, जिसको हथियार फराहम करने की तुर्की एक अरसे से मुखालफत कर रहा है क्योंकि वो इसे एक दहशतगर्द तंजीम करार देता है। नीलोफर मुगल हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नीलोफर, अमरीकी पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, कुर्द और तुर्क अहदेदार इस बारे में क्या? जी साकिब, तुर्की तवील अरसे से इस खदशे का इजहार कर रहा है कि अमरीका कुर्द जंगजुओं को जो हथियार फराहम कर रहा है वो उसे तुर्की से आज़ादी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यही वजह है कि अमरीका और तुर्की के ताल्लुक से तनाव का शिकार भी रहे। लेकिन अब तुर्क अहदेदारों का ये कहना है कि अमरीका ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि कुर्द जंगजुओं को ये हथियारों की फराहमी का जो सिलसिला है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। लेकिन कुर्दों का कहना है कि अमेरिका इस बारे में क्या पॉलिसी रखता है और कुर्द और तुर्क अहदेदार इस बारे में किस किस्म के रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप इस अज़्म का इजहार कर चुके हैं कि वो शाम में दाइश से लड़ने वाले मकामी ग्रुपों की मदद करके इस तंजीम को शिकस्त देंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि अब जबकि दाइश की नाम-ए-हाथ खिलाफत तकरीबन खत्म हो चुकी है, जंगी फौजी इमदाद भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी। Once we started winning the campaign against ISIS, एक मरतबा जब हम दाइश के खिलाफ मुहिम जीतने लगेंगे तो फिर कुछ ग्रुपों के लिए हिमायत में कमी इस अमन का हिस्सा होगी। अब हम इस पोजीशन में हैं कि कुछ ग्रुपों को अस्करी इमदाद देना खत्म करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ग्रुपों को हर किस्म की इमदाद बंद कर दी जाएगी। Stopping all support of those individual groups. व्हाइट हाउस ने इसकी तस्दीक नहीं की कि इस मामले में तुर्क सदर से किस किस्म के वादे किए गए हैं, लेकिन मुल्क के वजीर आजम बिन अली यल्दरम ने पीर के रोज सदर ट्रंप के इस फैसले का खैर मकदम किया है। What we say, सदर ट्रंप समझते हैं कि तुर्की के लिए क्या जरूरी है। हम ये कहते हैं कि अगर आपको दाइश से लड़ना है तो आपको सही शराकत दार चुनना होगा। आप एक दहशतगर्द ग्रुप से लड़ने के लिए एक दूसरी दहशतगर्द तंजीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन एक शामी कुर्द अहदेदार ने कुर्दों समेत शामी मुजाहमती फोर्सेस की जानिब से अमरीकी पॉलिसी में किसी तब्दीली से इनकार किया है। हम समझते हैं कि तुर्की का बयान गलत है, झूठ पर मबनी है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ राब्तों में अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई और अमरीका के खुद मुख्तार कुर्द इंतजामिया शुमाली शाम में वफाकी रहनुमाओं और सीरियन डेमोक्रेटिक काउंसिल के साथ सियासी ताल्लुकात और तआवुन में भी तब्दीली नहीं आई। लेकिन शाम में आबाद आम कुर्द अमरीका की हिमायत को शक की निगाह से देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि एक मर्द के मफादात नहीं रहेंगे तो वो तमाम हमायत भी बंद कर देंगे जो कि YPG को दी जा रही है और इन तमाम मुस्लिम लोगों को छोड़ जाएंगे जो कह रहे हैं। शुमाली शाम में अमरीका की यही पॉलिसी है। ट्रंप इंतजामिया ने ये वाजे नहीं किया कि अब जबकि दाइश के साथ लड़ाई तकरीबन खत्म होने वाली है, उसने शामी कुर्दों के साथ अमरीका के ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर तबादले ख्याल किया है या नहीं। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो इस हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर और पेंटागन की जानिब से जारी होने वाली एक हालिया रिपोर्ट पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि कुर्द जंगजुओं को हथियारी की जाएगी। तुर्क सदर और अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता हफ्ते भी टेलीफोन पर बात की थी। इस बारे में तुर्क सदर का कहना है कि तवील अरसे में ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि दोनों सदूर इस मामले में एक ही सफ़े पर हैं। जी साकिब, नीलोफर मुगल हमारे साथ थी कैपिटल हिल से। थैंक यू नीलोफर।
مشرق وسطی میں پالیسیز کی تبدیلی کوئی نئی بات نہیں، لیکن ان دنوں دو ایسے ملکوں کے تعلقات میں گرم جوشی دیکھی جا رہی ہے جن کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات بھی نہیں. میں بات کر رہی ہوں سعودی عرب اور اسرائیل کی. کے انٹیلیجنس اداروں کے سابق سربراہان نے نیو یارک میں ایک فورم میں شرکت کی. ایسی ملاقات کی ماضی میں توقع نہیں کی جا سکتی تھی، جبکہ حال ہی میں اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل گادی آئزنکاٹ نے سعودی میڈیا کو پہلی بار انٹرویو بھی دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اہم کے لیے تیار ہیں. اس تبدیلی کی ایک بڑی ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے اسرائیل اور سعودی عرب کیا اب کھل کر ہاتھ ملانے کو تیار ہیں؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار تھامس لپمن سے. مسٹر لپمن، ویلکم ٹو ویو 360. سعودی عرب اینڈ اسرائیل، دے بوتھ ہیو ہیڈ پور ریلیشنز ود ایران فار اے ویری لانگ ٹائم. وائی آر وی سیئنگ انکریزڈ انٹریکشن بٹوین سعودی اینڈ اسرائیلی لیڈرز، اینڈ ڈز دس سگنل ا وارمتھ ان دیئر ٹائز؟ The question is no, and there are many reasons for that. It is true that Israel and Saudi Arabia have many interests in common, beginning with the feeling of being threatened by Iran. They both feel very strongly that Iran is a menace, although for different reasons, and they both have security and intelligence ties to the United States. It would seem to make sense that they would work together in some way. Saudis are severely constrained from having any kind of overt relationship with Israel. Okay. It's just not politically doable in the context of an Arab country and a country that sees itself as the leaders of the Muslim world to establish a relationship with the people who are so widely reviled and resented throughout the Muslim populations. So Thomas Lipman kehte hain ki iske Israel aur Saudi Arab ke taluqat mein koi garam joshi numaya qisam ki nahi aayi. اسرائیل سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب دونوں ایران کو اپنا دشمن مختلف وجوہات کی بنا پر سمجھتے ہیں، اس کو ایک مسئلہ قرار دیتے ہیں، لیکن دونوں اس معاملے پر کھل کے آپس میں اس لیے کوآپریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سعودی عرب میں اور عام طور پر عرب دنیا میں اسرائیل کی مخالفت. ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تو دونوں کے انٹیلیجنس روابط بہت گہرے ہیں، اس لیے دونوں کے لیے آپس میں مل کے اس ایشو پہ، ایران کے مسئلے پہ کام کرنا لوجیکل تو ہے، لیکن عرب دنیا میں اس کے بارے میں ایکسیپٹنس بہت کم ہے. سو مسٹر لپمن، اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو ریسنٹلی ایکچولی سیڈ، اسپیکنگ ایٹ دی ڈیفنس منسٹری، دیٹ اٹس دی عرب کنٹریز دیز ریلیشنز بیکاز وی ہیو ا لاٹ آف کوآپریشن، ا لاٹ آف اٹ از بہائنڈ کلوزڈ ڈورز. Do you think that Israel might be able to convince Saudi Arab or other Arab nations to now openly speak about this cooperation if it is increasing behind closed doors? I don't see that it's in the interest of the state to do that. You still have the whole unresolved matter of Palestine. And as long as there's no solution to that, and as long as you have new Israeli settlements being built in the West Bank, I just don't see that it's in Arab country to be seen as having overt friendly relations with the Israelis. لپن کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کھل کے قائم کرنا کسی بھی عرب ملک کے فائدے میں نہیں، ان کے مفاد میں نہیں، کیونکہ جہاں تک اسرائیل کا معاملہ ہے وہ ایک حساس اور نازک معاملہ ہے جس کی وجہ سے کھل کے اس کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کیے جائیں گے. یو مینشنڈ عرب اسرائیل کانفلکٹ. ناؤ اے ہائی رینکنگ ریٹائرڈ جنرل آف سعودی عرب وزٹڈ اسرائیل لاسٹ ایئر. ہی میٹ ود دی لیڈر اینڈ ہی ایکچولی سیڈ دیٹ دی اسرائیل پیلسٹائن ایشو از ناٹ ایز بگ آف اے پرابلم ایز how much some certain countries make it to be, and they use it for their own interest, for their own benefit. And he was ostensibly again hinting at Iran. So could that be another you're saying that Israel-Palestine issue is much bigger, but Arab generals go over there and paint a different picture? Well, I heard that gentleman speak when he was here in Washington, and standing at his side was an Israeli official named Dori Gold. And they had worked together in this kind of track two process, trying to bring about something similar to what had been achieved in Oslo 20 or 30 years earlier. But neither of them was speaking for his government. And that's what really matters. People talk and meet all just recently. That doesn't mean, however, that their governments or their armed forces are going to do any kind of overt cooperation.
سو کھل کے جو تعاون ہے اس کی توقع وہ نہیں کرے. لپمین کہتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ سعودی اور اسرائیلی جنرل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے اگر بات کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات بہت زیادہ اس سے آگے بڑھے گی بھی. سو فرام دس پوائنٹ آن ورڈز وین ایران ہیز developed a larger scope of its influence, Saudi Arabia is clearly bothered by that. Mohammed bin Salman, the crown prince, is taking very strong measures, using very strong rhetoric to push Iran back. What role do you see Israel playing in this situation? I don't see Israel playing any role unless Israel feels directly threatened, in which case it may take military action. But I don't believe that Saudi Arabia is capable, it has the force projection capability of organizing any kind of effective region-wide resistance to Iran. The Saudis have a quarter of Iran's population. They have armed forces of dubious competence, and they have such splits among the leadership right there in their own region in the Gulf that they can't marshal an Arab coalition. In addition, the Arab country that should be in the forefront of this, a country that has a peace treaty with Israel, is Egypt. And Egypt is in a state of such weakness and disarray that it can't even contribute to any such effort. کی بات ہے تو لپمین کہتے ہیں کہ اگر ایران کی وجہ سے خطے میں کوئی بڑا تنازع کھڑا ہوتا ہے اور اسرائیل خود کی اپنی جانب کو خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ خود اس کے خلاف عسکری اقدامات اٹھائے گا, لیکن سعودی عرب میں یہ کرنے کی صلاحیت اتنی نہیں نظر آتی. اور اس کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ ہے جو کہ مصر ہے, اس کو اگرچہ اس معاملے میں کوئی اس کا کوئی اہم کردار بڑا کردار دیکھا جا سکتا ہے, لیکن مصر خود اپنے طور پہ بہت اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. تو لپمین کی گفتگو سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل اپنے ٹریک پہ اور سعودی عرب اپنے ٹریک پہ چلتا رہے گا, اور دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں نمایاں طور کوآپریشن بہت بڑے پیمانے پہ نظر نہیں آئے گا. مسٹر لپمین, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور انسائٹ, ریلی اپریشیٹ اٹ. تھینک یو. امریکی صدر کی بیٹی اور مشیر خاص ایوانکا ٹرمپ گلوبل آنٹرپرینرشپ سمٹ میں شرکت کے لیے بھارت کے شہر حیدرآباد میں ہیں, جہاں انہوں نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور دونوں نے مل کر اس تین روزہ بین الاقوامی اجلاس کا افتتاح کیا. حیدرآباد پہنچنے پر ایوانکا ٹرمپ کا زبردست استقبال کیا گیا. ان کی تصویروں سے سجے بڑے بڑے بل بورڈ سڑکوں کے کنارے آویزہ ہیں, جبکہ ان کی حفاظت کے لیے شہر میں 10,000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. انتظامیہ نے صفائی کی مہم کے دوران پورے شہر سے گدا گھروں کو بھی ہٹا دیا. اس اجلاس میں دنیا کے 150,000 کاروباری افراد اور سرمایہ کار شرکت کر رہے ہیں. گزشتہ سال بھارت اور امریکہ کے درمیان تقریباً 115 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی تھی. بالکل سارا, اور بھارت میں اس اجلاس سے کیا توقعات وابستہ کی جا رہے ہیں؟ The B2B ties between India and US have actually remained. بھارت اور امریکہ کے کاروباروں کے درمیان تعلقات دونوں جانب کی صرف بڑی کمپنیوں تک محدود ہیں. اس اجلاس کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ تعلقات اگلی 1,000 یا 500 کمپنیوں کے درمیان بھی فروغ پائیں, خصوصاً بھارت کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے اور امریکہ کے بھی. I'm hoping also in the US. اس قسم کے ایونٹ سے امیڈیٹلی زمینی سطح پر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے, اینڈ اٹ از ٹرو ناٹ اونلی فار انڈیا بٹ ایوری ویئر. یہ جو ایک مہتوپورن رول جو ادا کرتا ہے وہ اس سندرو میں کہ اٹ ایکچولی یو نو برنگس دی فوکس آن اے پرٹیکولر ایشو وچ از ویری ویری کریٹیکل اینڈ امپورٹنٹ فار اے کنٹری لائک انڈیا. اس سمٹ کا تصور صدر اوباما نے پیش کیا تھا, جسے اب ایوانکا ٹرمپ عملی جامہ پہنا رہی ہے. اور شو میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ مردوں کے خلاف جنسی ہراس امریکہ میں کتنا عام ہے اور مرد کتنا کھل کر اب اس پر بات کر رہے ہیں. بالکل, اور مردان سینٹرل جیل کے قیدیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی ایک کوشش کے بارے میں بھی آپ کو پروگرام میں آگے چل کر بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں. فرانسس نے میانمار میں اپنے خطاب میں انصاف اور انسانی حقوق کے تحفظ پر زور دیا ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے ملک میں جاری بدامنی کی بات تو کی, تاہم روہنگیا کا ذکر نہیں کیا. شام میں 7 سال سے جاری خانہ جنگی ختم کرانے کے لیے اقوام متحدہ میں مذاکرات کا دور آج ہو رہا ہے, تاہم شام کے سرکاری ٹی وی میں خارجہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شامی حکومت کا وفد کل جنیوا پہنچے گا. حکومت کے مطابق تاخیر کا سبب حزب اختلاف کی جانب سے صدر بشار الاسد کے استعفے کا مطالبہ ہے. کینیا کے صدر اوہورو کنیاٹا نے ایک متنازع انتخاب کے بعد دوسری مدت کے لیے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. تقریب میں کئی غیر ملکی رہنماؤں نے شرکت کی. اس موقع پر پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا.
इंडोनेशिया के जजीरे बाली में आतिशफिशान से निकलने वाले लावे से लाखों मकामी अफराद और हजारों सयाह मुतासिर। आतिशफिशान से उठने वाले धुएं के बादलों के बायस इलाके से परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। 1963 में ये आतिशफिशान फटने से तकरीबन 1000 अफराद हलाक हुए थे। सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में इन दोनों अमरीका में बड़े पैमाने पर बात की जा रही है। अब तक 30 से ज्यादा अहम शख्सियात के खिलाफ कई सौ खवातीन सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जाम सामने ला चुकी हैं और उनसे हौसला पाकर कुछ मर्दों ने भी अपने ऐसे तजुर्बात से पर्दा उठाया है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अमरीका में 16% शिकायत मर्दों की तरफ से आती है, लेकिन अक्सर इनकी खामोशी की वजह भी वही होती है जो खवातीन की। अमेरिका में जिंसी तौर पर हिरासत किए जाने के वाकयात की हालिया लहर में गैर उस वक्त आया जब मशहूर गुलकारा मराया कैरी के साबिक बॉडीगार्ड ने पॉप स्टार पर जिंसी और जुबानी तौर पर हिरासत करने के इल्जाम आयद किए। इन इल्जाम की तरदीद की, लेकिन एक मर्द की तरफ से ऐसे इल्जाम सामने आने पर इस खबर को बहुत उछाला गया। जॉश लुइस भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल का सामना कर चुके हैं। I was assigned to work with this one woman. मैं एक खातून के साथ एक इंटर्न के तौर पर काम कर रहा था। उन्होंने पहले मुझसे ऐसी बातें करना शुरू कर दी, फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे साथ ताल्लुक कायम करने का फैसला किया है। उन्होंने मेरे जिस्म के बारे में फिक्र किए और मेरे खाके बनाए। जॉश का कहना है कि उन्हें यह समझने में वक्त लगा कि वो जिंसी तौर पर हिरासत का निशाना बने हैं और वो इसकी शिकायत करने में कामयाब थे। मैं इनके लिए काम कर रहा था, वही मेरे मामलात देखती थी। वहाँ ऐसे हालात के लिए कोई इंतजाम नहीं था। वो मुझसे सीनियर और बेहतर पोजीशन में थी, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, मैं वहाँ नया था। इस रवैये के शिकार कई दूसरे लोगों की तरह जॉश ने भी सोचा कि कोई उनका यकीन नहीं करेगा और उन्हें अमेरिका में मुलाजमत पेशा अफराद के हकूक के लिए काम करने वाले सरकारी इदारे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन की कमिश्नर का कहना है कि हिरासा होने वाले ज्यादातर अफराद शिकायत नहीं करते। हिरासत का शिकार 70% अफराद अपने दफातर में इसकी शिकायत नहीं करते, अपने सुपरवाइजर से भी नहीं। औरतों और मर्दों के लिए इसकी बड़ी वजह एक ही है कि वो शिकायत करने से खौफजदा होते हैं। ऐसा भी हुआ है कि मर्दों को अपने साथ काम करने वाले मर्दों ने हिरासा किया और वो ये कहना नहीं चाहते थे कि एक मर्द उनमें उस तरह जबकि नेशनल सेक्सुअल वायलेंस रिसोर्स सेंटर का कहना है कि हम जिंस प्रेस मर्दों के साथ जिंसी हमलों और जिंसी तौर पर हिरासा किए जाने के वाकयात ज्यादा होते हैं। एक और तहकीक के मुताबिक अमेरिकी फौज में तकरीबन 20% जिंसी हिरासत का शिकार होते हैं। बहुत से मालकान ऐसी शिकायत के हल की कोशिशें करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि क्या हो रहा है। बाज़ औक़ात तो हमारी तफ्तीश से पहले ही वो इसका तस्फिया करा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद हिरासा किए जाने का नफसियाती असर खत्म नहीं होता। अब जबकि अमेरिका में ऐसी शिकायत को संजीदगी से लिया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि जिंसी तौर पर हिरासा किए जाने वाले मजीद मर्द सामने आएंगे। एजुकेशन के सेगमेंट में आज हम आपको ले जा रहे हैं मर्दान जेल। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने गैर सरकारी तंजीम विजन 21 के तावन से सेंट्रल जेल मर्दान में कैदियों को खौंदा करने के लिए एक प्रोग्राम का आगाज किया है। तफसीलात देखते हैं उमर फारूक की इस रिपोर्ट में। सेंट्रल जेल मर्दान में शुरू किए गए इस तालीमी प्रोग्राम के पहले मरहले में 68 कैदियों को तालीम दी जाएगी, जिनमें 46 मर्द और 22 खातून कैदियों को रोजाना 3 घंटे की क्लासें दी जाएंगी। बात यह है कि सिर्फ तालीम हासिल करने वाले ही नहीं बल्कि तालीम देने वालों में भी कैदी शामिल हैं। मैं कन्वर्टेड हूँ तो अपने से ज्यादा इन्हें फायदा पहुँचाना चाहती हूँ। इन्हें पढ़ाती हूँ, मैं उर्दू आजकल पढ़ा रही हूँ, जैसे कि इन्हें हरूफ तहजी तक नहीं आते थे और माशाल्लाह ये इतने काबिल हो गए कि अपना नाम खुद लिख सकते हैं। प्रोग्राम के तहत 6 महीनों में कैदी तीसरी क्लास जबकि 4 सालों में मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सकेंगे। ये जितने भी यहाँ पे कैदी हैं और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमने टीचर्स का बंदोबस्त किया है और टीचर हैं यहाँ पे जो कैदी हैं उन्हीं में से टीचर हायर किए हैं, उनको 15,000 सैलरी दी जाएगी
और वही जो साथी कैदी हैं उनको पढ़ाएंगे। जेल में मौजूद कैदी इस नए प्रोग्राम से इंतहाई खुश है। उनके मुताबिक यहाँ उनका वक्त जाया होने के बजाय कीमती। बहुत शौक से सीखते हैं क्योंकि जेल में तो पहले थे इंतजाम नहीं थे ना, अभी बहुत शौक से पढ़ते हैं। एक हफ्ता हो गया है कि कुछ सीखे, बहुत कुछ सीखा है। जी, मुझे बहुत पसंद है स्कूल। मुझे ये ख्याल है जब हम बाहर भी जाएंगे तो मैं अपने शोहर से कहती हूँ कि मैं तालीम, मुझे तालीम बहुत पसंद है, मैं तालीम कर रही हूँ। सूबे महकमा तालीम बाकी सूबे की जेलों में भी इस प्रोग्राम को शुरू करने का मंसूबा रखता है। जी, फिलहाल तो हम उर्दू हमने स्टार्ट की है, इसके बाद ये मैथ्स और इंग्लिश साथ साथ फिर पढ़ाएंगे। अच्छे अतवार के बारे में, अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, क्या किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब हम इन्हें बताएंगे। मर्दान जेल में शुरू किए गए ये तालीमी प्रोग्राम ना सिर्फ इन तलबा की ज़हनी सलाहियत बल्कि जराइम की रोकथाम में भी एक अहम किरदार अदा करेगी। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, मर्दान। पाकिस्तान में कुव्वत गोयाई या बिनाई से महरूम अफराद के लिए करने के मौके खास महदूद हैं और ऐसे अफराद के लिए अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के ख्वाब अक्सर हकीकत नहीं बन पाते। लेकिन आकल सज्जाद ने बिनाई से महरूम होने के बावजूद न सिर्फ आला तालीम ख्वाब अधूरा नहीं छोड़ा बल्कि उसकी ताबीर के लिए अमरीका के शहर बॉस्टन का रुख किया। तो उनसे हमारी मुलाकात करवा रहे हैं अमान अजहर। मेरा नाम आकिल सज्जाद है, आई एम अ फिजिसिस्ट। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD किया है और पोस्ट डॉक भी किया। आई एम अ पार्टिकल फिजिसिस्ट ओरिजिनली, मैं पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से। आकिल 16 साल की उम्र में बिनाई से महरूम हो गए थे और उन्हें सदमा हुआ कि शायद वो अब साइंस के मज़ामीन नहीं पढ़ सकेंगे। मैं FSC कर रहा था, फर्स्ट ईयर में था, वहाँ पे आई वाज टोल्ड कि अब आप साइंस नहीं पढ़ सकते। इनिशियली मैंने वहाँ पे अपनी स्टडी सब्जेक्ट्स में कंटिन्यू की, FA किया, उसके बाद आई हैड अ BBA डिग्री, बट देन आई केम टू द US टू स्टडी फिजिक्स। इन दिनों आकिल अमेरिका के शहर बॉस्टन में अपनी अहलिया के साथ रहते हैं। तो आने से उनका फिजिक्स पढ़ने का ख्वाब पूरा हुआ। पता चला कि यहाँ पे एक अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है जिसमें यह कि यूनिवर्सिटीज हैव टू मेक श्योर कि उनका जो कोर्सेज पढ़ाई है वो एक्सेसिबल हो। और दूसरा फिर ये पता चला कि ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी जहाँ मैंने बैचलर्स किया वहाँ एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे हु बिकेम ब्लाइंड एंड ही वाज वर्किंग ऑन सम टेक्नोलॉजी टू एनेबल ब्लाइंड पीपल टू एक्चुअली स्टडी साइंस एंड मैथ। वो कहते हैं साइंस और मैथ्स में दिलचस्पी उन्हें अपने घर के माहौल से मिली। माय मदर वाज एक्चुअली अ मैथ्स, उनका मैथ्स में था तो घर में मैंने उनके साथ मैथ्स वगैरह पढ़नी शुरू की और फिर कुछ फिजिक्स वगैरह भी पढ़ी। तो वहाँ घर में जब पढ़ी तो आई थॉट के आई कैन डू दिस। हमारा TV भी कुछ करता था इंटरेस्टिंग चीज़ें TV पे साइंस की, तो दोस थिंग्स कंबाइंड टू गेट मी एक्साइटेड अबाउट दिस। मैंने आखिर से पूछा कि आखिर वो फिजिक्स के सवालात देखे बगैर हल कैसे करते हैं। मेड अ ह्यूज डिफरेंस। सो जब आप कंप्यूटर पे होते हैं तो टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर के जरिए जो स्क्रीन पे है वो कंप्यूटर आपको पढ़ के सुना देते हैं, देन यू कैन वर्क ऑन द कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली। अमेरिका में रिहायश इख्तियार करने के बावजूद आकिल पाकिस्तान से अपने ताल्लुक को अब भी बेहद मजबूत करार देते हैं। दिल आपका जो है पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे धड़कता है, पाकिस्तान की खबर, पाकिस्तान से रिलेटेड आपका ताल्लुक, बाहर आप आ जाएं मतलब आई एम द गाय, मेरे से आप पाकिस्तान को नहीं निकाल सकते जिधर भी हूँ। और ना ही उनके घर से पाकिस्तानी खानों की खुशबू को। मानसर, उर्दू VOA, बॉस्टन। ये था हमारा आज का शो। व्यू 360 में आपके मौजूदा पर रिपोर्ट देखना चाहते हैं ये आप हमें बता सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। साकिब उल इस्लाम और सारा जमान को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।